हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज आपकी ही रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मुझे इमीडिएट बनाना पड़ा, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं, काफ़ी कंफ्यूज है कि वो ग्रीन कॉफ़ी कैप्सूल्स लें कि गार्जिनिया एंड कंपोजिया लें, क्या लें जिससे कि एक्चुअल में वेट लॉस हो, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गार्जिनिया कंपोजिया एंड ग्रीन कॉफ़ी बीन्स, क्योंकि मैंने दोनों के रिव्यू किए हैं, दोनों चीज़ें आपको बताई हैं। तो आज इस वीडियो में मैं इन्हीं चीज़ों को डिफाइन करने वाली आई हूँ कि इन दोनों के बिटवीन में ऐसा क्या है कि ये दोनों वेट लॉस करते हैं, और दोनों हम एक साथ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, क्या चीज़ ज़्यादा इफेक्ट करती है, कौन सा सप्लीमेंट हम ज़्यादा किसी पे वो करें। तो आज हम सारी बात यहाँ पे मैं क्लियर करूँगी कि आपको दोनों चीज़ लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, और क्या है दोनों में डिफरेंस क्या है, और कैसे दोनों काम करते हैं। दोनों का पर्टिकुलर अलग अलग एक मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में आज मैं दोनों पे बात करने वाली हूँ। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बगल में एक जो बेल आइकन लगी है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पा सकें। तो मैंने जो रिव्यू किया था वो गार्सिनिया एंड कंपोजिया का न्यूट्रीलाइन लाइफ का किया था, और मैंने जो ग्रीन कॉफी का किया था वो न्यूरो हब्स का किया था। तो इनों का रिव्यू मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों का रिव्यू किया है, तो ये मेरा पूरी तरह से मेरा बताना कर्तव्य बनता है कि आप क्या चीज़ ले दोनों में से जो ज़्यादा इफेक्टिव हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, और आप एक साथ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, और दोनों कैसे काम करें। तो ग्रीन कॉफ़ी में ऑलरेडी मैंने पूरा सब कुछ बताया, ग्रीन कॉफ़ी बीन्स के बारे में बताया है, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रीन टी एंड ग्रीन कॉफ़ी, और पाउडर ज़्यादा इफेक्टिव है कि बीन्स ज़्यादा इफेक्टिव है, कि कैप्सूल्स के बारे में आज मैं बताने वाली हूँ। एक सेपरेट वीडियो है, लेकिन इन दोनों का वीडियो अभी आया है। सो फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरा पहले जो मुझे फॉलो करते हैं, जिन्होंने मेरे पहले के वीडियो देखे हैं, कि ग्रीन कॉफ़ी में क्लोरोजेनिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है, जिसकी वजह से ये वेट लॉस करने में, फैट बर्न करने में हमें बहुत तेज़ी से काम करती है, मेटाबॉलिक रेट हाई करती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब गार्सिनिया कंपोजिया क्या करता है, गार्सिनिया कंपोजिया में जो हाइड्रोसाइट्रिक एसिड होता है वो भरपूर मात्रा में होता है, जिसकी वजह से भी फैट बर्न होता है। लेकिन इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि ग्रीन कॉफी जो है वो आपके फैट को बर्न करती है, यानी कि ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को काफी हाई करती है, फैट को बर्न करती है, लेकिन गार्सिनिया कंपोजिया उससे भी बड़ा काम ये करती है कि हमारी क्रेविंग्स को रोकती है। और फैट तभी बर्न होगा जब हम कुछ भी इनटेक नहीं करेंगे, और इनटेक नहीं करने के लिए हमें गार्सिनिया कंपोजिया लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो भी क्रेविंग है, कुछ भी मीठा खाने की, तीखा खाने की, चटपटा खाने की, मसालेदार खाने की, मतलब कुछ भी, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनका, ये आपके हाइड्रोसाइट्रिक एसिड होने की वजह से ये आपकी क्रेविंग्स को कम करेगा। और ग्रीन कॉफी बीन्स क्या करता है, ग्रीन कॉफी बीन्स आपके फैट को बर्न करता है। दोनों ही फैट बर्नर के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ये जो गार्सिनिया एंड कंपोजिया है ये आपके क्रेविंग को कम करेगा, और जब आप कुछ खाएंगे नहीं तो आपका वेट लॉस ईजिली होगा। और इन केस आपने कभी कुछ खा लिया, मीन्स चीट डाइटिंग कर ली, चीट डाइट कर ली, और कभी कभी मजबूरन हम अपनी डाइट नहीं कर पाते हैं कंटिन्यू, तो ये उसको क्या करेगा, ये उसको फैट को बर्न करेगा। मतलब जो भी मान लीजिए हमने खा लिया है कभी, जो भी बॉडी में फैट है, तो ये फैट बर्नर का काम करता है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। मार्केट में बहुत सारा कंफ्यूजन है, मतलब बहुत तरह के लोग अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन मैंने जो अभी तक पढ़ा है, अभी तक जो मैंने चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें इधर से और जो भी थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, उसके बेस पे मुझे यही चीज़ पता चली है कि गार्सिनिया कंपोजिया आपकी क्रेविंग्स को बहुत अच्छे से रोकता है, मतलब बहुत क्या 100% रोक देता है, और ग्रीन कॉफी बीन्स कैप्सूल्स जो हैं ये आपके फैट को बर्न करता है। और क्या हम, जैसे बहुत से लोगों के मन में है कि क्या हम दोनों चीज़ें एक साथ ले सकते हैं, ऑफ कोर्स आप दोनों चीज़ें एक साथ ले सकते हैं,
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गार्सिनिया कंपोजिया के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। ग्रीन कॉफी के साइड इफेक्ट्स ऑलरेडी मैंने बताए हुए हैं, तो वीडियो में जाके चेक कर लीजिए। और बहुत ही जल्दी गार्सिनिया कंपोजिया के भी साइड इफेक्ट मैं बताऊंगी, क्योंकि इसके भी बहुत सारे रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही है। तो आज का वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही था। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आ रहा था कि मैम क्या हम दोनों चीजें एक साथ ले सकते हैं, और ये दोनों में डिफरेंस क्या है, हम किस पे पैसे इन्वेस्ट करें, ग्रीन कॉफी पे करें, गार्सिनिया कंपोजिया पे करें। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो इस वीडियो को इमीडिएट बनाना मैंने सोचा, और रात हो रही है लेकिन मैंने सोचा फटाक से बनाती हूँ आप लोगों के लिए और सारी बातें क्लियर करती हूँ कि आपको क्या चाहिए, क्या करना चाहिए। और हो सके तो दोनों चीजें ट्राई करिए, एक आपके क्रेविंग को कम करेगा और एक आपके फैट को बर्न करेगा जो बॉडी में पहले से फैट अवेलेबल है। तो इन दोनों को ट्राई करिए। जैस कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी रिव्यू हो, छोटा सा वीडियो इसलिए बनाना जरूरी समझा कि आपको सारी बातें क्लियर भी हों और आप बोर भी ना हो। इसलिए मैं सीधे मेन टॉपिक पे आई, इधर उधर की बातें फालतू की मैंने नहीं की। अगर ये वीडियो पसंद आया तो भर भर के लाइक कर दीजिएगा, मेरा चैनल पसंद आया, मैं पसंद आऊं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।